माई पीसफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माई होम माई ड्रीम बाय किरण। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपनी बालकनी का मेकओवर। ये है पार्ट 1, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा, एंड दिस इज द पार्ट 2। ये पार्ट में मैंने क्या किया था, मैंने उसे काफी ज्यादा एक्सट्रीम कर लिया था, बिकॉज घर पे गेस्ट आने वाले, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कर लिया था। आई कैन से एक कमेंट भी आया था, काफी ज्यादा तामझाम आपने किया है जो कि हम हर दिन नहीं कर सकते। आई टोटली अग्री विद देम। मुझे उनका नाम नहीं आ रहा याद, बट थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी वीडियो का मैं पार्ट 2 बना रही हूँ विद वेरी वेरी मिनिमल थिंग्स। यस, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा तामझाम नहीं होगा, बट आपकी हम बालकनी को बनाने वाले हैं एक प्यारा सा क्यूट सा कॉर्नर। सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो, एंड या लास्ट तक बने रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ माई बालकनी। घर थोड़ा सा बंद होने की वजह से यहाँ काफ़ी धूल जमा हो गई थी, एंड या जो मैंने ये आर्च बनाया है इसके लिए अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बर्जर पेंट। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज द नॉर्मल एनिमल पेंट और ये काफ़ी सस्ता मिलता है, आप इसको अपनी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वॉल पे पहले भी कलर किया था बट आई वॉज गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट, तो मुझे लगा वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। आप नाउ आई एम नॉट यूजिंग पेंट ब्रश, उसकी जगह अब मैं यूज़ करूँगी रोलर। जी हाँ, क्योंकि मेरी जो ये वॉल है ये काफ़ी ज़्यादा रफ है, इसमें रोलर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आपकी भी वॉल रफ है और आप काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो रादर देन यूजिंग ब्रश यू शुड यूज़ रोलर। एंड या अगर आपने इस बालकनी मेकओवर का पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरे चैनल में डेफिनेटली देखिएगा। अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा साफ करके यहाँ पर रखूंगी पैलेट। आपने आई थिंक मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने एक कोजी लिटिल कॉर्नर बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं अपनी एक लोकल मार्केट से ये 2 पैलेट्स लेके आई थी जो कि सिर्फ मुझे 350 के पड़े थे, मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी थी तो मैं ये लेके आई थी। तो आई एम कीपिंग देम रफ। अगर आप चाहें तो इसमें नॉर्मल एनिमल पेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसमें स्प्रे पेंट कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। तो मैं इसे नॉर्मल रफ रखना चाहती हूँ। एंड नाउ आई एम कीपिंग माई छोटू से प्लांट्स बिकॉज आई लव ग्रीनरी लाइक एनीथिंग। सो मैंने यहाँ पर स्नेक प्लांट एंड सिंगोनियम रख दिया है। ये छोटू सा ग्रीन कॉर्नर मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड नाउ माई फेवरेट पार्ट ऑफ पुटिंग कलर्स टुगेदर, एंड फॉर दैट कुशन्स आर माई फेवरेट एंड इट कम्स टॉप ऑन माई लिस्ट। क्योंकि इन कुशन कवर्स को ऐड करते ही आपका पूरा का पूरा स्पेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, एंड इफ़ यू विल यूज सम वाइब्रेंट कलर तो सोने पे सुहागा। एंड आई गॉट दिस क्यूट लिटिल प्लांट फ्रॉम पेपर फ्राई। अब आती है बारी मेरी ब्लू वॉल को सजाने की, जिसके लिए मैं ये 3 फ्रेम्स लेके आई हूँ फ्रॉम लाजपत नगर। ये मेरे पास पहले के पड़े हैं, एंड मैं कभी गई तो मैं डेफिनेटली आपको वो शॉप दिखाऊंगी, वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलती है, क्योंकि हर एक के लिए बंजारा मार्केट जाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई एम पुटिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर टू मेक इट ब्यूटिफुल। एंड या मुझे यहाँ पर ये मीटर बहुत गंदा लगता है बट आई कांट हेल्प इट। एंड नाउ पुटिंग सम ग्रीनरी, आर्टिफिशियल ग्रीनरी और नेचुरल ग्रीनरी टुगेदर। ये जो बालकनी मेकओवर पार्ट 2 है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखा है, मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इसको एक प्रैक्टिकल कॉर्नर बनाना चाहती थी, प्रैक्टिकल कोजी कॉर्नर जहाँ पर आप बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले सके और अपना इंजॉय कर सके शाम। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, नथिंग सो मच फैंसी इन दिस। एज आई ऑलवेज से, आपके लिए हमेशा नई चीज़ें लाना, हमेशा अपने घर के लिए न्यू चीज़ें खरीदना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा उनकी जगहों को शिफ्ट करके, यू कैन मेक योर बालकनी, यू कैन मेक योर रूम, यू कैन मेक योर किचन वेरी ब्यूटिफुल। एंड यू कैन फॉर दैट यू कैन डू लिटिल छोटू छोटू से DIY जो कि मैं इस चैनल में करती रहती हूँ। एंड या नाउ यू इन्जॉय सम बिफोर एंड आफ्टर ग्लिम्प्स ऑफ दिस वीडियो। If you want to make your house beautiful, you just need little bit of your effort and creativity. And trust me, after that you will see the whole difference. At last, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब, एंड या स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।